खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार शर्मा के निर्देशानुसार महू में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास चंद्र मिश्र के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस के खतरनाक रूप धारण करने से एहतियात के तौर पर भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए आम जनता को समझाइश देने के लिए पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की टीम सक्रिय है एवं आम नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के रोकथाम के लिए जानकारी देने के तहत प्रशासन के द्वारा अधिकृत किए गए सिविल हॉस्पिटल महू के डॉक्टर हंसराज वर्मा द्वारा आज महू न्यायालय में प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थानीय मजिस्ट्रेट एवं वकीलों को डॉक्टर वर्मा अपने उद्बोधन में समझाइश दी गई, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव व एहतियात बरतने व जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर हंसराज वर्मा द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब भी दिया गया। डॉक्टर वर्मा के द्वारा परामर्श दिया गया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से दूरी बनाए रखना है। खांसते समय विशेष रूप से मुंह पर रुमाल का इस्तेमाल करें, हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ें, अभिवादन करें। हल्की सर्दी खांसी बुखार होने पर पेरासिटामोल दर्द की गोली एवं सैनिटाइजर किट अपने घर पर रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस अवसर पर एडवोकेट व बार संघ के अध्यक्ष रवि आर्य, हंसराज वर्मा, भरत सिंह ठाकुर, संतोष कुमार पवार, अब्दुल अब्बास शहजाद खान, अशोक डांगे आदि उपस्थित रहे। इस समय हिंदुस्तान में कुछ ही केसेस हैं। अगर हम ज्यादा भयावह स्थिति इस समय नहीं है और लेकिन हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशन रखना है ताकि वो इन्फेक्शन, अगर किसी को इन्फेक्शन है एक तो सबसे पहले हमें मुंह के ऊपर मास्क लगाना है या रुमाल रखना है या कोई कपड़े से हम मुंह को ढकें। खांसते समय, छींकते समय कॉमन प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए, कोर्ट हो गए या हॉस्पिटल हो गए, इसमें कम से कम हमें जाना चाहिए। बस में कम से कम हमें ट्रैवल करना चाहिए, ट्रेन्स में भी हम कम से कम ट्रैवल करें। इस समय हमें ट्रैवल भी कम से कम, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कोई किसी दूसरे को इन्फेक्शन है तो वो हमें नहीं लगे और अगर हमें अगर लग गया है तो वो किसी दूसरे को। बार बार हाथ धोने चाहिए हमें, कोई भी एक जो साबुन जो होता है या किसी भी सोप से जो अपने घर में अवेलेबल है तो उससे हमें साबुन से बार बार हम हाथ हर 2 घंटे में 3 घंटे में एक बार हाथ धो लें और हम जहाँ रहते हैं उस कमरे को हम अच्छी तरीके से, जो रूम क्लीनर्स जो होते हैं उससे हम साफ रखें तो हम इससे बहुत बच सकते। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।